के साथ दिखाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। झारखंड के हजारीबाग में पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार, कहा परिवारवादी सोच ने देश को पहुंचाया नुकसान, झारखंड को लूट का बनाया गया ठिकाना। पीएम मोदी ने दी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात, प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 685 करोड़ की परियोजनाओं का भूमि पूजन लोकार्पण किया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना शामिल है। भोपाल के कुशभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अमृत 2 के माध्यम से भी प्रदेश के नगरीय निकायों को बहुत सारी सौगातें मिली है, जिसमें जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, ऐसी अनेक परियोजनाओं का हमने लोकार्पण भूमि पूजन करने का मौका लिया है। इसलिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गांधी जयंती पर सीएम मोहन यादव ने प्रदेश को दी स्वागत, सीएम ने 250 करोड़ की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण, साथ 125 कचरा कलेक्शन वैन को दिखाई हरी झंडी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सफाई मित्रों को किया सम्मानित, सिंगल क्लिक के जरिए सफाई मित्रों को 3,000 रूपए की राशि वितरित की। इसके साथ ही 26 अनुकंपा नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। महात्मा गांधी जी ने आजादी के संघर्ष में भी योगदान दिया, जातिगत असमानता के खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वच्छता के प्रति भी ध्यान दिया, समयबद्धता के प्रति भी ध्यान दिया, स्वदेशी का भी आग्रह किया। ये सारे एक एक आयाम है जिन आयामों के माध्यम से भारत के अंदर की कई सारी कमजोरियों को दूर करके भारत को सशक्त करना, भारतवासियों का जीवन बदलना और भारत को इस तरह से तैयार करना। गांधी जयंती के मौके पर सीएम मोहन यादव पहुंचे मिंटो हॉल, सीएम मोहन यादव ने मिंटो हॉल में गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी और हम सबके मन में महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा है। गांधी जयंती के मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत तमाम नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। कुशभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर में कांग्रेस नेताओं ने जीतू पटवारी के साथ किया भजन कीर्तन। नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। जीतू पटवारी ने कहा, अहिंसा के प्रणेता महात्मा गांधी ने समाज को सत्य अहिंसा का संदेश दिया, हम सभी को उनके विचारों पर चलना चाहिए। अतिथि विद्वानों का अपमान जो ये सरकार कर रही है, इनका मंत्री कर रहा है, जो इनके साथ झूठ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये जग जाहिर है। अतिथि विद्वान, शिक्षक, गुरु, शिक्षा देने वाला, भविष्य बनाने वाला देश का निर्माण करता है, देश के भविष्य का निर्माण करता है। उनका अपमान अगर होता है तो देश के भविष्य खतरे में आता है, हम उनके साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, उनको नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम साय बोले, महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा और करुणा के पुजारी थे। लाल बहादुर शास्त्री सहजता, विनम्रता और कर्मठता के पुजारी थे, जिसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह में भी शामिल हुए, झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नमन, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही साथ इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, उनको भी नमन करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य, अहिंसा, करुणा के पुजारी थे। बलरामपुर में धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का हुआ शुभारंभ, कार्यक्रम का पीएम मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए, जिसमें 192 करोड़ 60 लाख रुपए की सौगात दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि धरती आवास जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कार्यक्रम का किया शुभारंभ। भोपाल के तात्या टोपे खेल स्टेडियम में खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, इस सम्मान समारोह में सीएम मोहन यादव हुए शामिल। ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों का सीएम मोहन यादव ने सम्मान किया।
सीएम ने ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक विजेताओं का सम्मान करते हुए 1-1 करोड़ रुपए के चेक बांटे, तो वहीं ओलंपिक और पैरालंपिक में प्रतिभागियों को 10-10 लाख रुपए के चेक भी बांटे गए। ऐश्वर्य प्रताप जोरदार अभिनंदन करो, इनने भी अपनी भूमिका अदा करी। और ऐश्वर्य चिंता मत करो, विवेक सागर भी नौकरी में रहेगा, ऐश्वर्य प्रताप भी नौकरी देंगे, उसको किसी हालत में हमसे दूर नहीं जाने देंगे। बहुत जल्दी कैबिनेट में प्रस्ताव आने वाला है। अब हमारी अगली प्रतिभा तो आप ही हो, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से सोना लेके आएंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे लेटर के बाद प्रशासन अलर्ट, बीडीएस की टीम ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। महाकाल मंदिर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, इस दौरान डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद रही। देखिए वो सूचना ठीक अपनी जगह, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हमेशा ही जो है बीडीडीएस टीम और आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा सघन चेकिंग उज्जैन महाकालेश्वर नगरी को देखते हुए की जाती है। आज चेकिंग संपूर्ण जो घाट है अपने परिसर जहाँ पे श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं, घाटों को चेक किया है। महाकालेश्वर मंदिर है, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये सबको चेक किया है। इंदौर में यातायात को सरल बनाने के लिए शहर में अलग अलग जगहों पर येलो बॉक्स बनाए गए हैं। बेंगलुरु की तर्ज पर इंदौर शहर के मुख्य चौराहों पर येलो बॉक्स पद्धति को लागू किया गया है। ये येलो बॉक्स के जरिए जाम और दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। इस तरह जो भी वाहन चौराहों पर रुकेगा उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो येलो बॉक्स में प्रवेश ना करे। क्योंकि हाईकोर्ट चौराहा यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, शहर का हर व्यक्ति इस चौराहे से गुजरता है, तो इसमें वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। इस वजह से ये येलो बॉक्स चौराहा बनाया गया है। येलो बॉक्स को एक नियम है चलने का कि जब आप इस एक्टिव ट्रैफिक है जो उसका ग्रीन लाइट हो चुका है वो जब इस जोन में घुसता है तो उसको यहाँ रुकना नहीं, तो उसको इसी कंडीशन में यहाँ से निकलना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि येलो बॉक्स का मतलब क्या है, तो हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया माध्यम से यहाँ लोगों को चौराहे पे जाकर उनको ये बता रहे हैं कि इस बॉक्स का मतलब क्या है और इस जोन में घुसने का क्या नियम कायदे हैं।